देखिए जो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राहुल गांधी जी को सांसद से 2 साल के लिए निष्कासित किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। जबकि नीरज मोदी, ललित मोदी ये देश के गद्दार हैं और जनता का अरबों रुपए लेकर भारत देश से फरार हुए हुए हैं, जबकि मोदी जी को उनको विदेशों से पकड़कर भारत में लाकर उनसे पैसे की रिकवरी करनी चाहिए, वो रिकवरी तो कर नहीं रहे। जबकि इसी प्रकार अडानी को अरबों रुपए का बैंकों से लोन दे दिया, LIC के अंदर जो जनता का अरबों रुपए लगा हुआ है वो सरकारी कंपनी के अंदर सेफ का पैसा और अडानी की प्राइवेट कंपनी में पूंजी निवेश कर दिया। अगर अडानी कल फेल हो जाता है और अडानी उनकी तरह भाग जाता है तो आप देखिए देश की हालत क्या होगी। मैं यही बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की अडानी वर्ग के मित्रों से अच्छी दोस्ती है और सारे बैंकों को पैसा उनको अरबों रुपए लोन करके उनकी मदद कर रहे हैं। जब बार बार एक बात उठती है पूरे देश की जनता सभी विपक्षी पार्टी पर अडानी जी पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। अडानी ने क्या किया, अपने शेयर की कीमत जिसकी 5,000-15,000 रुपये थी उसको 1,00,000 दिखाकर जनता को ठगने का काम किया है, एक बेईमानी की है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो कंपनियों के पैसे लगे, LIC के पैसे लगे हुए हैं या बैंकों से अरबों रुपए लोन दिया हुआ है उसका ब्याज समेत रिकवरी करे और उसने जो फ्रॉड कर रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल जी के ऊपर तो 22 घंटे के अंदर ही सदस्यता रद्द करके कार्रवाई कर दी और लगातार देश की जनता चिल्ला रही है अडानी पर कार्रवाई की जाए। आज तक मोदी जी की आँख नहीं खुल रही, मोदी जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। और बताना चाहता हूँ अडानी देश प्यारा नहीं, अडानी प्यारे हैं, ये पूंजीपति प्यारे हैं। ये आपकी तरफ से किया जा रहा है क्या आगे किस तरह से? ये पूरे देश के अंदर सत्याग्रह है, उसी कड़ी के अंदर सरसा जिले के अंदर असत्याग्रह रखा हुआ है। हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर जारी रहेगा। ये भ्रष्टाचार जो तानाशाही सरकार है उससे मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संघर्ष कर रही है। और मैं सभी विपक्षी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर ये तानाशाही मोदी की सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, 9 साल इसकी मोदी का राज हो गया केंद्र के अंदर, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का राज है, इन्होंने अपने राज के अंदर जो भी राजनीतिक दल है सभी विपक्षी को दल के ऊपर ED CBI के छापे मुरा मरा कर नजायज तंग कर रही है। और मैं पूछूं सारा देश चोर है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, इन्होंने अरबों रुपए घोटाले कर लिए, एक के खिलाफ भी ये बता दे भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के खिलाफ आज तक पूरे देश के अंदर कोई कार्रवाई हुई है? जो भ्रष्ट थे, जो छिंदे वर्ग जो मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के, इनके ऊपर तो ED के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, ये मोदी कहता है चोर है, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हो गया तो ईमानदार हो गए। जो बात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है या उसे समझौता कर लेता है वो ईमानदार बन जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ बोल ले वो देशद्रोही भ्रष्ट, उसको सिद्ध करने की ये सरकार कोशिश करती है। इन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल जी पे, सोनिया गांधी के ऊपर ED के छापे मरवाए, ED की इंक्वायरी करवाई, CBI करवाई, मगर कुछ नहीं पाया। ये डरे हुए हैं, डरा हुआ व्यक्ति ऐसी झूठी कार्रवाई करता है और ये लोकतंत्र की हत्या है, जिसके लिए पूरा देश के अंदर लगातार आंदोलन कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा। ऐसा जी, जो आज सत्याग्रह इसलिए किया जा रहा है कि जो हमारे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने एक आम आदमी की आवाज़ उठाने का, किसान की, कर्मचारी की, हरेक वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया। उस आवाज़ को दबाने के लिए राहुल गांधी को है जो 2 पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है। जबकि 7 फरवरी को
राहुल जी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा था कि मोदी जी आपके अडानी के साथ क्या रिश्ते हैं, वो सवाल का जवाब देने की बजाय भाई पार्लियामेंट में राहुल गांधी कोई आवाज़ ही ना उठा पाए, इसलिए इनकी जो है लोकसभा सदस्यता इतनी जल्दबाजी में रद्द की गई है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहला उदाहरण होगा। सत्याग्रह किया जा रहा है पूरे देश भर में, पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है, और उसके बाद में जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको हम लागू करेंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द करी गई है, यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है। इसके अंदर राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जन जन से मिले थे, उसमें महिलाओं की आवाज़ भी बने थे और महिलाओं की समस्या भी सुनी थी, तो वो अपना पक्ष वहाँ रखते संसद के अंदर, पर कहीं ना कहीं मोदी जी को डर था भी वो देश की आवाज़ उठाएंगे, महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, इसीलिए उनकी आवाज़ बंद करने का काम कर रहे थे मोदी जी। पर इससे आवाज़ बंद नहीं होगी, महिलाएँ दुगनी ताकत से उभर के आएंगी और हम राहुल जी के साथ हैं। और हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी व प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी के निर्देशानुसार आज हम सब हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हुए हैं, और राहुल जी की आवाज़ इस तरह दबा नहीं सकती सरकार। अगर भाजपा सरकार सोचती है भी हम आवाज़ दबा देंगे, आवाज़ नहीं दबेगी, और आवाज़ राहुल जी पहले भी उठा रहे थे, आगे भी उठाएंगे। और इसके अंदर जो स्मृति ईरानी जी की तरफ भी मोदी जी को देखना चाहिए था, जो संसद के अंदर खड़े होकर सीटी बजा रहे थे, उस समय संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई थी। राहुल जी के आवाज़ उठाने से और अडानी के सवालों के डर से ये सदस्यता रद्द करी गई है, और ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करी गई है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, हम कांग्रेस जन सभी सड़कों पर उतरेंगे, अगर उतरना पड़ा तो हमारे को, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ बन के हम उभरेंगे आगे।